चोरी के इरादे से ऑटो की तलाशी लेकर जब कुछ न मिला तो घूम फिर कर आने के बाद सो रहे ऑटो चालक के सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सीसीटीवी में कैद फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नागपुर शहर के बर्डी पुलिस स्टेशन अंतर्गत रात के दौरान हनुमान गली बर्डी में राजकुमार यादव नामक व्यक्ति अपने ऑटो के पास सोया हुआ था। उसी दौरान आरोपी साहिल राउत ने चोरी के इरादे से ऑटो की तलाशी ली। जब उसे ऑटो से कुछ ना मिला तो वो आगे बढ़ गया और सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि वो कुछ देर मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा है। फिर वापस आरोपी ने पत्थर लाकर ऑटो चालक राजकुमार यादव के सिर पर मार दिया और वो घटनास्थल से फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी युवक घटनास्थल परिसर का निवासी होने का बताया जाता है। हालांकि ये घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद होने से फुटेज खंगाल कर बड़ी पुलिस आरोपी की तलाश में है। प्राथमिक अर्ली मॉर्निंग सका 5:15 वाजता की घटना है। जे ऑटो चालक है राजकुमार यादव हा झोपलेला डोक्यामध्ये दगड घालून हत्या करण्यात आलेच प्राथमिक दिसत आहे। त्या संबंधित जो आरोपी आहे प्राथमिक दृष्ट्या त्याची काय आम्हाला काही प्रमाणात माहिती मिळालेली आहे। आम्ही तत्काळ त्याला अटक करू आणि पुढील तपास करू। व्हिडिओ फुटेज बघितलं असताना तर तसं दिसत नाहीये, पण आता ते हत्येचं कारण आरोपी अटक झाल्यानंतर समजेल। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।